मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। अंबाला के सदर बाजार के एक होटल में मिले तीन संदिग्ध व्यक्ति। सूचना पर एसडीएम और डीएसपी पहुंचे मौके पर। संदिग्ध पिछले काफी दिनों से रह रहे थे होटल में। तीनों अंबाला में अपना दफ्तर बना रहे थे। जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस द्वारा भेजे तीनों इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में होगी संदिग्ध की जाँच। डीएसपी ने कहा दोषी पाए जाने पर हो सकती है होटल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई। अंबाला के सदर बाजार स्थित एक होटल में तीन व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे, जिनमें से एक तबीयत ज्यादा खराब होने हो गई। वहीं लॉकडाउन होने की वजह से वे अपने गंतव्य भी नहीं जा पाए। अभी कोई फोन आया था कि डेस्टिनेशन होटल है, उसमें तीन आदमी रुके हुए हैं, तो इसी की जांच के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अभी अंदर तीन आदमी जो होटल के मालिक को बुला के जो जाँच पूछताछ की गई, उसमें तीन आदमी अंदर रुके हुए हैं और काफ़ी दिन से रुके हुए हैं, तो ये भी पता लगे कि उसमें एक आदमी बीमार भी है। तो अभी उसके बारे में डॉक्टर की टीम बुलाई है, जांच होगी, उसके बाद ही सामने सारी स्थिति आएगी कि कौन लोग हैं, कहाँ के रुके हुए हैं, कितने टाइम से हैं और क्या उनको तकलीफ कोई है, तो वो सारी चीज़ जांच के बाद ही सामने आएगी। नहीं और श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, डेस्टिनेशन होटल मेरा है, क्या मामला है ये? इसमें ना 10-12-15 दिन से लोग रुके हुए हैं, तो वो कह रहे हैं हमारा अभी काम चल रहा है, यहाँ पर ऑफिस बन रहा है, तो मैंने अभी यहीं रहना है मेरा, और मेरे को खाना गुना उनको दे रहे हैं। बाकी हमारे ऊपर तीन लोग हैं अलग अलग जगह के, एक तो मेरे ख्याल उड़ीसा का है, ये देख लेते हैं रजिस्टर में लिखा हुआ नाम वगैरह दोनों का कहाँ कहाँ के हैं, तो वो बेचारे फंस गए हैं इसी लॉकडाउन के चक्कर में कि 23 तारीख के बाद शायद खुल जाएगा, तो 23 तारीख को फिर एकदम अनाउंसमेंट होगी दोबारा कि अब लॉकडाउन हो गया 21 दिन का, इसी 31 तक हो गया, तो कह रहे जी हम जा नहीं पाते, अभी नीचे पुलिस वाले रोक रहे थे, तो कह रहे हम क्या बताएंगे। तीन में से कुछ लोग बीमार भी है, एक को एलर्जी सी है कोई, कह रहा है मेरे को एलर्जी बहुत पानी, वो खुद फिनाइल बेचता है और काम है इसका फिनाइल का होलसेल का है, और एक चंडीगढ़ या कहाँ का बंदा बता रहे थे, उन्होंने कोई सूचना सरकार की देने रखी थी ना, होटल मालिक ने थाने में बता रखा था कि यहाँ हमारे पास तीन आदमी इतने दिन से रुके हुए हैं, तो आज किसी ने कंट्रोल में डीसी साहब के ऑफिस में फोन किया था कि यहाँ पे कुछ है और वो बीमार लगते हैं, इस सूचना पे हॉस्पिटल से एसडीएम साहब यहाँ साथ हैं, उन्होंने एम्बुलेंस बुलवाई थी जिनको हॉस्पिटल भेजा, चेक करेंगे वो ठीक होंगे तो उनको उनके घर छोड़ने का प्रबंध किया जाएगा और होटल वाले के खिलाफ जो भी एक्शन होगा वो एक्शन लिया जाएगा। और होटलों की जांच, सब होटलों को चेक करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा रुका होगा तो उसको भी चेक करेंगे। तीन दिन से नहीं है, तीन दिन से भी ज्यादा 20 दिन से रुके हुए हैं, तीन दिन से नहीं, अभी तक इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास नहीं।